हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिलिकोस संजीवनी हेल्थ रेसिपी प्रेजेंट्स आहार स्वस्थ से भरा। हमारा आज का रेसिपी नंबर 34 है नारकेल कुमरो। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन भी जाता है। घर पे कोई भी ओकेशन हो या फिर ऐसे भी आप इसको घर पे बना के खा सकते हैं। दिस इज अ हेल्दी टेस्टी एंड अ डिलीशियस रेसिपी। Today it's time for a very easy and a tasty recipe called narkel kumro. Pumpkin and grated coconut cooked together with some peanuts. It's a very tasty recipe and light side dish. It goes well with rice and lentils, but it's best with rotis and parathas along with some green chilies. This recipe is just as good as kumro chakka. Most of the people are not good with vegetarian dishes, but pumpkin will always surprise us for the way they turn out. Exceptionally tasty and witty. हमारी आज की हेल्दी टेस्टी रेसिपी नारकेल कुमरो को आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करने वाली है सिलिकोस संजीवनी आहार की सदस्य मिसेस पारोमिता शौरकर, जो सदा टाउन आर्केड की रहने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है पंपकिन यानी कि कद्दू। हमें चाहिए एक पेस्ट जिसको हमें बनाना है कोकोनट यानी कि नारियल, पोपी सीड्स यानी कि खसखस और मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, इन तीन चीज़ों को मिला के। हमें चाहिए पीनट्स यानी कि मूंगफली। हमें चाहिए बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, ड्राई रेड चिली यानी कि लाल सूखी मिर्च, और हमें चाहिए बंगाली 5 स्पाइस मिक्स जिसके अंदर आता है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, फेनोग्रिक सीड्स यानी कि मेथी, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों एंड ब्लैक क्यूमिन सीड्स यानी कि कलौंजी। हमें चाहिए ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। हमें चाहिए रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और हमें चाहिए सॉल्ट एंड शुगर यानी कि नमक और चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। Hey everyone, please subscribe our channel and give a big thumbs up to this video. तो फिर चलिए हमारी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। Hello and welcome friends, welcome to Silico Ahar. और आज जो है बहुत ही simple recipe कद्दू की, butternut squash या pumpkin की मैं आपके साथ share करने वाली हूँ। और simple तो है पर बहुत tasty ये recipe जो है ये बनती है। बहुत ही साधारण से सामग्री जो हमारे घर पे ऐसे ही मिल जाते हैं हमें, उसी से ये रेसिपी जो बनेगी। इस रेसिपी का नाम है नारकेल कुमरो। तो ऑब्वियसली नारकेल कुमरो के लिए हमें चाहिए कुमरो या पम्पकिन जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। हमें चाहिए मूंगफली या पीनट्स जिसे मैंने थोड़े बहुत तेल में तल लिए हैं। हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, और टेम्परिंग के लिए हम लेंगे बंगाली 5 स्पाइस मिक्स या 5 फोरन, तेज पत्ता, एक सूखी मिर्च, 2 ग्रीन चिलीज स्लिट किए हुए हमें ऐड करने हैं बाद में। मसाले में बस हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चीनी। कुमरों की रेसिपी में थोड़ी सी चीनी जो है वो अच्छी लगती है। और ये जो है ये एक पेस्ट है जो बना लेना है हमें, और ये पेस्ट ही जो है ये जान है रेसिपी की। इस पेस्ट में मैंने ऐड की है 1 टीस्पून मस्टर्ड, 3 to 4 टीस्पून पॉपी सीड्स या खसखस, और राई और खसखस के साथ मैंने ले ली है नारियल कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट जो है उसे भी मैंने थोड़ी बहुत इसमें मिक्सी में पानी के साथ चला ली है। और बस यही जो है ये सामग्री है रेसिपी की, और ये रेसिपी जो है ये मस्टर्ड ऑयल में बनेगी। तो चलिए नारकेल कुमरो की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। तेल जो है मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में ले ली, और कुछ ज़्यादा गर्म होने से पहले मैंने इसमें ये 5 स्पाइस मिक्स, ये तेज़पत्ता और ये जो एक सूखी मिर्च है ये टेम्परिंग के लिए ऐड कर दी है। अब हम वेट करेंगे कि ये थोड़ी बहुत जो है मसाले खरे वाले ये हमारे थोड़े से टेम्परिंग जो है उनकी हो जाए, फिर हम कद्दू इसमें ऐड कर देंगे। जो 5 फोरन और सूखी मिर्च थी वो टेम्पर हो चुकी थी, और मैंने कद्दू भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ 1 and 2 टीस्पून्स ऑफ नमक, और ये जो हमारे पास ये हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और चीनी है ये भी हम ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद नाउ वी नीड टू गिव दिस अ नाइस मिक्स, और
कुछ पानी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है, कद्दू की खुद की जो है पानी रिलीज होगी और इसी वजह से हमें जो करना है अभी इसे हमें कवर करके रख देना है और तब तक रखना है जब तक कि कद्दू जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए जो कवर है वो खोलने के बाद मैंने देखा कि ये जो पम्पकिन है ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। अब इसमें ये जो दो स्लिट किए हुए ग्रीन चिलीज थे वो मैं ऐड कर दूंगी। मैं ऐड करूंगी ये फ्राइड मूंगफली, विल गिव इट अ मिक्स। और अब जो स्पाइस मिक्स है हम वो ऐड कर देंगे। देखिए ये जो कोकोनट पॉपी सीड्स और राई की पेस्ट थी ये मैंने ऐड कर दी है। नाउ वी विल गिव दिस अ मिक्स और थोड़ी सी पानी ऐड करके हम फिर से इसे कवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी जो ये नारकेल कुंभ है ये रेडी टू बी सर्व्ड है और स्टीमिंग हॉट वाइट राइस के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जब आप कुछ वेज बनाना चाहें तो ऐसे रेसिपीज़ जो हैं ये वेज डेज की टेस्ट जो है वो अलग बना देती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, सिलिको आहार को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे हिट करना ना भूलें। थैंक यू। हमारा एक प्यारा सा ग्रुप है जिसे हम सब प्यार से बुलाते हैं आहार। अगर आप चाहो तो हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा बन सकते हो, जहां आप जीत सकते हो अट्रैक्टिव प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स सिलिको संजीवनी आहार की तरफ से। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर आपकी फेवरेट रेसिपी वीडियो के साथ हमें भेज देना है। अगर आप हुए द लकीस्ट पर्सन तो आपके गिफ्ट्स एंड द वाउचर्स आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा। सिलिको संजीवनी आहार की ओर से, तो फिर तेरी किस बात की, जल्दी से बन जाइए हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा। सब्सक्रिप्शन इज फ्री फॉर यू। For any kind of information or requirement, contact us at our Gmail sanjeevni.siddharth@gmail.com or at our contact number 9903500108. अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को YouTube में जाके जरूर सब्सक्राइब करें। For subscribing our channel on the YouTube, just go to your YouTube app and over there in that search bar type Silico Ahar. जब आप Silico Ahar टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने Silico Ahar की बहुत सारी रेसिपीज आ जाएंगी। किसी एक रेसिपी को क्लिक करके आप बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं हमारे चैनल Silico तक। After visiting our channel, subscribe our channel over there. अगर हमारी videos आपको अच्छी लगे तो हमारी video को like ज़रूर करें, उसको अपने friends और अपने family के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें। नीचे show किए गए हुए notification bell को ज़रूर hit कीजिए और उसको all mode पे भी set कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया videos आपसे miss ना हो। हमारा video आपको कैसा लगा या फिर आपका कोई भी suggestion हो तो आप हमें comment box पे comment करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching.